क्या हो? मुझसे भी नाराज हो तो? नहीं, तुमसे क्यों नाराज होंगे? आओ बैठो। देखो, मैं जानती हूँ कि अमीना कभी कभार तुम्हारे साथ ज्यादती कर देती हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इस तरह घर छोड़ के यहाँ पे आ जाओ। तुम प्लीज़ तुम घर वापस आ जाओ, सब लोग बहुत परेशान हैं तुम्हें लेके। रीबा छोड़ो मारिया, किसी और टॉपिक पे बात करते हैं, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ब्रेकफास्ट किया था? यस मम्मा, मैंने ब्रेकफास्ट किया था, दादी ने मेरे बना दिया था। गुड। देखो, मुझे तो बहुत टाइम बाद पता चला था कि तुम यहाँ पे अपनी मम्मी के घर आई हुई हो। तुम्हें तो मैं बहुत समझदार और अकलमंद समझती थी, तुमसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। रीबा, तुम भी मुझे इल्जाम दे रहे हो? मतलब मेरा तो किसी को एहसास ही नहीं है। मुझसे जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए तो पूरे खानदान में कोहराम बरपा हो जाता है। लेकिन जो गलत लोग हैं असल में कसूरवार, उन्हें अपने अलावा तो कुछ सोचता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड लेती हूँ और तुम्हें फेवर करती हूँ। कम अज कम तुम मेरी सिंसेरिटी पे शक ना करो। मयूर को देखो, बेचारी कितनी डिस्टर्ब लग रही है। अरे तुम ये सारी बातें छोड़ो, बाहर अम्मी आई हुई है तुमसे मिलने के लिए। हाँ ये ठीक है। अच्छा है, अब जो आगे बात हो उन्हीं के सामने। आओ।